हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा सिंह राठौर और मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मेरी सिटी। कहाँ गई ये? तो ये सिटी है, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। इस सिटी को मैंने रियल सिटी के रूप में बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैंने विलेजर्स थोड़े कम डाले हैं, यहाँ पर मेरे लगभग सारे बनाए गए घर है। सबसे पहला घर है ये, इसे मैंने स्मॉलेस्ट हाउस के रूप में बनाने की कोशिश करी थी, बट स्मॉलेस्ट हाउस से मुझे ना याद आ रहा था कि जाने दो स्मॉलेस्ट हाउस, ये मेरा सिक्योर हाउस बना। ये यहाँ पर मैंने एक लाइफ हैक बनाया है, जैसे ही कोई ना यहाँ पर सर्वाइवल में जाता है, यहाँ पर ना रहता है कोई भी बंदा, तो ये ना उनके उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे लगभग मार देते हैं। और ये यहाँ से शायद उसे मार सकता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, शायद नहीं मार सकता, नहीं मार सकता शायद। तो ये है मेरी एंट्रेंस, ऑस्पीडियन जो भी है ये ब्लॉक, उसकी एंट्रेंस है। और फिर ये है मेरा तबेला, मैं तबेला दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये मेरा तबेला। यहाँ पर मेरे दो टेम्ड हॉर्स भी हैं। एक है ये मेरा, इसका नाम मैंने रखा नहीं है, शायद मैं इसका नाम चौगा रखने वाला हूँ, चौगाट रखने वाला हूँ। और ये दूसरा वाला, उसका नाम मैंने सोचा नहीं है। और यहाँ पर मैंने रोड्स भी बनाई हैं, आपको पता होगा, रोड्स भी बनाई हैं। ये देखो, अरे ये रही, ये मैंने सवल से बनाई, आपको याद होगा, मतलब पता होगा, इस सवल से बना सकते हैं। तो फिर ये है रोड्स, और ये है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हाउस, बंकर। अबे क्या हो रहा है यार मेरे साथ, भी वीडियो बनाने लगता हूँ तो भी मेरे दिमाग खराब हो रहा है। ऑब्सिडियन ले लो, ये पूरा ऑब्सिडियन से बना, ये मेरा सिक्योर बेस है, मुझे पता है ऑब्सिडियन से तोड़ सकते हैं। हाँ, ऑब्सिडियन किधर है, आइए ना, ऑब्सिडियन तोड़ सकते हैं हाथों से या फिर किसी भी चीज़ से, बस मैंने इसे डिज़ास्टर के रूप में बनाया, मतलब अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो ये हमें बता सकता है। और ये पूरा TNT प्रूफ है, पूरा TNT प्रूफ। और ये है मेरा डोर, और इसे मैं ऊपर जाऊँगा सेकेंड फ्लोर में। ये मेरी लिफ्ट, ये सोल सैंड से बनती है। ये है मेरा सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर था। ये है मेरी डाउन, नीचे वापस जाने की लिफ्ट। ये है मेरी नीचे वापस जाने की लिफ्ट, ये मैग्ना लॉक से बनती है। तो फिर ये वाली लिफ्ट, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐसा नहीं लगे तो पूरा काला काला, तो मैंने यहाँ पर ना आयरन ब्लॉक लगा दिए ताकि ये पूरा काला काला नहीं लगे। और ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली आगे जाती है पूरा, और मैं बाद में इसे कभी किसी विलेज से या फिर किसी ना अपनी सिटी से ही ना कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, बट वो बाद में करूँगा। एक भी मैं ऐसे नीचे जाने बताता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, और यहाँ पर आप मर नहीं सकते हो, मैं बता दूँ, वहाँ से नीचे आने पर आप मर नहीं सकते हो। और ये है मेरा डोर, ये मैंने अच्छे से नहीं बनाया, थोड़ा मतलब घटिया सा बन गया है। और ये है मेरा ऊपर से ऐसे देखने का सी लैंटर्न से भी बनाया है मैंने यहाँ पर। यह मैं पहले पूरा सी लैंटर्न से बना रहा था, बट मैंने सोचा बात जाने दो, भाड़ में जावे, पूरा सी लैंटर्न से क्या है बनाऊँ मैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये पता नहीं किसने किया है, मेरे छोटे भाई ने कर दिया है। और ये है मेरा VIP स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम नहीं है। क्यों फालतू में क्यों ऐसा लगता है, सब क्यों होता है। तो ये देखिए, ये मेरा स्टोरेज, यहाँ पर बेड है,
मुझे पता है बेड कोई इम्पोर्टेंट आइटम नहीं है, पर फिर भी बेड अगर यहाँ पर कोई बंदा फंस गया तो वो सोने के लिए बेड का तो यूज़ कर ही सकता है। ये मेरे वेपन्स, ये मेरे बहुत बढ़िया वेपन्स हैं। अब ये क्या खुल गया, ये मेरे वेपन्स, ये मेरा फेवरेट ट्राइडेंट सोड वाला मस्ती। यहाँ पर ये इंचेंटमेंट बुक्स, यहाँ पर मैंने फायर प्रोटेक्शन रखी है, फायर प्रोटेक्शन वन रखी है, प्रोटेक्शन रखी है, फायर प्रोटेक्शन वन फिर से रखी है, और फायर प्रोटेक्शन टू रखी है। मुझे फायर बिल्कुल पसंद नहीं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब ये बिल्डिंग के लिए काम आते हैं। और फिर है यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, और ये VIP खाने पीने की चीज़ें, VIP। ये देखो, ये OP। इंचेंटमेंट एप्पल भी बहुत अच्छा है, ये रॉटन प्लेस पता नहीं क्यों आ गया VIP में। सॉरी सॉरी। और ये है रेडस्टोन ब्लॉक्स, रेडस्टोन के लिए ब्ला। फिर वो जो पीछे हंस रहा था ना, वो बेवकूफ़ सा गर 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 करके, वो मेरा छोटा भाई था, मेरे से 7 महीने छोटा है वो, 12 मेरे से 7 महीने छोटा है। मैं तो क्यों बोल रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता। तो ये है मेरा मॉडर्न सा हाउस, अब ये पता नहीं मुझे आपको समझ में पसंद आएगा कि नहीं। ये मेरी फ़ोटो, वहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मेरा छोटा भाई है, मैं दोनों लड़ रहे थे तब किसी ने मेरी हमारी फ़ोटो खींच ली। हाँ, और ये है हमारे दो घर, मतलब बेड ब्ला। और ये जो बाहर देख रहे हो ना, वो भी मैं बताता हूँ ना, मैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का यूज़ नहीं करता। उसकी कौन करता है सीढ़ी का यूज, गंदा हो गया, सॉरी तोड़ देता हूँ उसे। ये है मेरी अप डाउन सीढ़ी, इसे मैंने पहले पीछे लगाया था, बट बाद में उसे निकाल के मैंने इधर लगा दिया। इसे बंद करो, अभी कहाँ गया। ठीक है, ये बहुत फास्ट है, चलते बहुत फास्ट। ये मेरा ये जो भी है, इसे पता नहीं मैं क्यों खोल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और ये है ग्राइंडस्टोन, यहाँ से इससे हम किसी भी चीज़ को डिसएन्चेंट कर सकते हैं। और ये कार्टोग्राफी टेबल, पता नहीं यहाँ से कैसे बन सकता है कोई मैप, बन भी सकता है कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे तो। और ये है मेरी अलमारी, और ये है मेरा पूरा ब्ला ब्ला। और ये तो बाहर जाने का रास्ता है, और नीचे वो थोड़ा गलती बलती हो जाता है। अबे क्या हो रहा है, पता नहीं कुछ ग्लिच क्यों हो रहा है, ये इतना तगड़ा वाला हाल तो यहाँ नहीं, तो दिमाग खराब। कैसे था ये, यार वीडियो का कपड़ा बन गया। सॉरी फॉर डैट, वेरी वेरी सॉरी। और ये है मेरे नीचे जाने के लिए लब लब ला। ये रात हो गई है, सो जाते हैं, फिर मैं अपने छोटे भाई का घर बता दूँ। गुड मॉर्निंग। ये तो ये है मेरा पूरा घर, और यहाँ पर मैंने फर्नेस नहीं ब्लास्ट फर्नेस लगाए हैं, बिकॉज मेरा मॉडर्न हाउस है तो ब्लास्ट फर्नेस तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई। तो फिर अभी इसे बाहर चलते हैं,
ओहो, अब मैं अपने छोटे भाई, मेरे से जो 7 महीने छोटा है, उसका घर बताता हूँ, जो कि आपको शायद पसंद आ जाए। मुझे तो नहीं आया था, पता नहीं इसके घर के सामने ये किसने किया। अबे लग जा। ये है मेरा छोटे भाई का हाउस, जिसके सामने गोल्डन प्रेशर प्लेट लगी हुई है, प्रेशर प्लेट। और ये पता नहीं डिज़ाइन फालतू से डिज़ाइन क्यों बनाई है उसने, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, अभी उससे अच्छी लगती होगी पता नहीं। और इसने मेरा ये जो है ना, मेरा सिस्टम कॉपी किया है पूरी तरह से घर के अंदर। और ये पूरा सर सीधा ऊपर ले जाता है, पता आपको, सीधा ऊपर, ना चार ना पार, दूसरे फ्लोर में आए कैसे। रुको मैं आपके दूसरे फ्लोर भी दिखा देता हूँ, इतना खास तो है नहीं। आई नो इससे नीचे ही जाते, ऊपर नहीं आते। ये मेरा छोटे भाई का दूसरा हाउस, ये आई मीन दूसरा फ्लोर ये। और यहाँ से ये बोलता है काफ़ी अच्छा व्यू आता है, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ से ही वापस नीचे चलते हैं। पता नहीं ये छोटे भाई ने अपने हाउस में देर ना कुछ ढंग से क्यों नहीं किया भाई, मेरे वीडियो की बहुत बात इसमें। तो ये है मेरी पूरी साटी, आई मीन सिटी। और मैं यहाँ पर ये देखो, ये भी है एक चीज़, ये मेरे पता नहीं मेरे भाई ने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, बट उसने बोला है कि सिटी से इसको बाहर करो। और इसके साथ इसलिए मैंने इसके सामने डू नॉट टच लगा दिया है, ताकि कोई इसे टच ना कर पाए, मैं खुद कर लेता हूँ फिर टच। और ये है मेरा पूल, ये यहाँ पर मैं नहाता हूँ। इस पूल का अभी ना कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है, पूरा को पूरा कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। और ये है मेरी पूरी साटी, आई मीन सिटी। और ये है मेरा पिरामिड, एक्चुअली ये मैंने पहले बनाया था, बट बाद में इस पिरामिड के सामने मैंने ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की कोशिश करी थी, बीच में ना एंड क्रिस्टल लगा के, एंड क्रिस्टल फूटा, मेरे पिरामिड की वाट लग गई। अब ये पिरामिड को कोई देखता भी नहीं है, बिकॉज ये टूटा हुआ है और मैं इसे रिपेयर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पहले भी अच्छा नहीं लग रहा था, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। आप करूँ कि मैं रिपेयर करूँ कि नहीं करूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कर देना वीडियो को। अब मैं ये देखो, ये मेरा सिक्योरिटी सिस्टम कितना मस्त है, यहाँ पर इसे लग रही थी। अब मैं आपके सामने कैंप फायर पॉइंट भी बनाने वाला हूँ। ये देखो ये मेरी स्किन भी है, मैं आपको थर्ड पर्सन में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। मैं अभी कैंप फायर पॉइंट कहाँ बनाऊँ, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ बनाते हैं। अबे खराब आदमी को, ये जो पीछे आपको आवाज आ रही होगी ये मेरे भाई की है, अगर आ रही होगी तो। ये है मेरा कैंप फायर पॉइंट, में शायद अच्छा बन रहा है कि नहीं मुझे बताइए। ये है मेरी कैंप फायर, और ज़्यादा ऊंचा जाए इसलिए मैं नीचे यहाँ पर हे बेल भी लगा देती हूँ। पता नहीं हिंदी हिंदी में क्यों आ रहा है, पता नहीं। हेवेल कहाँ मिलेगी, वो हेवेल शायद हेवेल कहाँ मिलेगी, यहाँ यहाँ पर ढूंढता हूँ मैं पति। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, छोटे भाई की मदद हो जाएगी।
अभी हेबेल वहाँ मिल रही भैया, परेशान कर दिया ना। हाँ नहीं तो दिमाग खराब। चलो भाई कुछ तो करा हमने। ये शायद लाइव है कि शायद काम कर जाए, क्योंकि इस लाइव है की मदद से ये जो है ना, ये जो ऊपर से ना बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ जाती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जाती है। ये जो जो भी दिख रहा है ना आपको स्मोक जो भी, वो बहुत ऊपर तक जाता है, तो ये ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर आई एम वेरी स्पीड ना कंस्ट्रक्टर, आपको पता है ना बॉबी बिल्डर से भी ज़्यादा तगड़ा हूँ मैं। अभी इधर बिल्डर की बात हो रही थी, इधर मैं सच बता रहा हूँ मेरी बेइज्जती हो गई है पूरी पूरी। मेरा छोटा भाई मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं लग जा, मैं सच बता रहा हूँ मैं मर जाऊँगा भाई, आई मीन इस गेम में मर जाऊँगा भाई। डग 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 होगा व्हाट। अभी थोड़ी देर के लिए बन जा, देखो तो ठीक है गाइस, तो अभी और बनाते हैं। ऐसा तो ही ना वीडियो बस खत्म करेंगे। अब भी वीडियो बनाने में बहुत मतलब माहिर बनना चाहते हैं। तो फिर ये है मेरा ना फायर पॉइंट, जहाँ पर विलेजर्स या फिर लोग आके आराम से अपना हाथ हाथ सेक सकते हैं अगर ठंडी पड़े तो। इसे मैं और एक्सपेंड नहीं करना चाहता फॉर सम रीज़न, फॉर माई पर्सनल रीज़न। अब वैसे तो मैं ये बोलने के बाद, मेरा पर्सनल रीज़न बोलने के बाद सब मेरे ऊपर हंसने वाले हैं बहुत तगड़े। मेरा छोटा भाई भी हंस रहा है पूरी तरह से। अब लेकिन फिर भी मैं अपना पर्सनल रीज़न बोलने वाला हूँ, आई मीन पर्सनल रीज़न है तो है, बस क्या बोलोगे। अबे बन जा, लग जा। तो फिर ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो स्मोक है ना, इसे बाहर निकलने दो, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं निकला ना तो अंदर पूरा स्मोकी स्मोकी हो जाएगा, और आई डोंट लाइक स्मोकी स्मोकी, आई नेवर लाइक स्मोकी स्मोकी। ओह स्मोकी स्मोकी। अब मैं यहाँ पर से स्टेयर्स लेना चाहता हूँ। कोई बढ़िया स्टेयर्स है? हाँ स्मूथ क्वाड स्टेयर्स, क्वाड आई लाइक क्वाड, आई लाइक क्वाड। और मैं इधर रेलवे स्टेशन भी बनाना चाहता हूँ, पहले रेलवे स्टेशन शायद थोड़ा दूर रखते ही, थोड़ा दूर रखते हैं, इतना पास एकदम पक्का के रखने का मेरा कोई मूड नहीं है। ऐसे चिपका के रखें तो बंदे के हाथ ही जल जाएंगे, एक एक करते रहते, फिर वो बंदे आके मुझे बोले क्या बनाया तुमने, क्या बनाया क्या बनाया। डोर आई नीड दिस, और बर्च डोर लगाते हैं भाई, मैंने इस बर्च का बहुत कम यूज़ किया। ये यहाँ से ऊपर भी जाते थे क्या? साइन भी लगा देते फायर पॉइंट, सबको पता चलना चाहिए ना। नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, फिर डार्क नहीं लगाते हैं। लाइट मुझे बहुत चला लाइट, ये मैं लाइट वाला लगाता हूँ। FIRE
स्पेलिंग सही है ना? सही लग रही है। मैं ही जवाब देता हूँ, मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं ही जवाब देता हूँ। कैसा हूँ मैं, कितना महान हूँ? तबेले में जितने भी एनिमल्स हैं ना, सब सोच रहे होंगे तो कितना महान है। वाह, यू आर मानेस्ट बंदा इन द होल वर्ल्ड। मेरा गेम छोटे भाई का घर भी मेरे सिटी के अंदर होता। काश इधर भी अब मैंने यहाँ पर VIP ओनली जो लिखा है ना, इसका मतलब आप समझ जाओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अंदर सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ, क्योंकि मैं ही पूरे सिटी का VIP बन रहा हूँ। और किसी को भी मैं अंदर जाने के इजाज़त नहीं देना चाहता और ना ही दूँगा। और ये है मेरा जंगल एरिया। यहाँ पर लोग आके थोड़ा बहुत जंगली कर देने के लिए थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जंगल में मार कर सकते। और ये है मेरा ज़ॉम्बी भाई का, और जो भी अंदर आता है उसे हम कर से मार देते हैं, क्योंकि वो जंगल को ख़राब करते हैं। ये देखो ना, एक साल पहले एक दिन पहले इसे मैंने काटा था, मैंने अपने आप को मार दिया था। मैंने अपना नाम मेरा कृष्णा नाम है, और मैंने अपना कृष्णा नाम गाय को दे दिया और गाय को मार दिया, मैं मर गया ना। बताओ ना कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट में ज़रूर बताना भाई, आप कमेंट बहुत कम करते हो। और फिर मुझे यहाँ पर ये वाली बर्ड चाहिए, ताकि कोई ऐसा नहीं लगे कि मैंने काटा है। कोई नहीं बोलेगा काटा है ना, अब एकदम रियल ट्री लग रहा है। पहले भी था बट पहले कटा हुआ था। तो अब मैं आपको बनाऊंगा रेलवे, RL रेल, VAV, वो भी अंडरग्राउंड VIP अंडरग्राउंड। तो फिर अभी वे रेलवे मैं किसी दूसरे वीडियो में बनाऊंगा गाइस। बाय बाय एंड टाटा गुड बाय। और हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस सिटी को हम इस वर्ल्ड को इस तरह से ऐसे देखकर इस वीडियो का एंड करेंगे, या फिर कह लो हाँ ये व्यू सही है। हाँ, मेरा भाई का घर नहीं आना चाहिए, ये व्यू सही है, सही है। अब आप मुझे बताना ये सिटी आपको कैसी लगी। सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। आई विल वीड ना मीट इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, गुड बाय, टाटा गुड बाय।